अगर चारित्र ग्रहण करने की इच्छा प्राप्त हुई है ऐसे गुरु मंदिर में विराजमान श्री 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 सुविधिनाथ प्रभु के चरणों में नत वंदन नत वंदन। अंधेरी नगरी में उजाले के किरण समान अंधेरी नगरी का राजा श्री 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 चंद्र प्रभु स्वामी के चरणों में नत वंदन नत वंदन। जिनके गुणों की खान में से एक गुणवत्ता के अंश को प्राप्त करने को हम तरस रहे हैं, जिनके कर कमल से हमें जल्द ही रजोहरण प्राप्त होने वाला है, ऐसे दीक्षा दानेश्वरी को विरुद्ध रहने वाले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुणवत्ता सुरेश के चरणों में कोटिशा वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पीयूष भगत सुरेश महाराज के चरणों में वंदन। जिनकी पुण्य की रेखा की कोई सीमा नहीं है, प्रवर्तनी पद से आरूढ़ हुए हैं, ऐसे हमारे गुरु मैया साध्वी श्री पुण्य रेखा श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। मेरे भुआ महाराज साहब श्री अरहम रेखा श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदन तथा अत्र उपस्थित भगवंतों के चरणों में वंदन। मेरा जन्म इसी अंधेरी नगरी की धन्य धरा पर हुआ है। जब मैंने पहली बार दुनिया को देखने का सौभाग्य प्राप्त किया तब मेरे सामने तत्वत्री समान तीन मूर्तियां थी। पहली मूर्ति एक श्राविका की, दूसरी मूर्ति एक श्रावक की और तीसरी मूर्ति एक संयमी देवी की। इन तीनों मूर्तियों ने मेरे पांचों इंद्रियों को धन्य धन्य बना दिया। नौकार मंत्र सुना के मेरे श्रोतेन्द्रिय और रसेन्द्रियों को इन दोनों शासन प्रेमी श्रावक और श्राविका ने जागृत ही कर दिया और वो तीसरी मूर्ति ने तो कमाल ही कर दिया। उसने मेरी बाकी तीनों इंद्रियों को ऐसा जागृत कर दिया कि आज हम इस जैन शासन का चमकता हुआ सितारा बनने जा रहे हैं। वो तीसरी मूर्ति ने मुझे क्या दिखाया, क्या स्पर्श करवाया और किसकी सुगंध दिलवाई पता है, जिसकी मैं बरसों से चाहना रखती हूँ, ऐसा मेरा सबसे प्यारा रजोहरण ओगा। उस तीसरी मूर्ति ने मुझे ओगा का दर्शन करा के, उसका स्पर्श करा के और उसकी सुगंध दिला के मेरे रोम रोम को पवित्र कर दिया। जानते हैं वो तीन मूर्तियाँ कौन थी? शासन प्रेमी श्राविका यानी हमारी नानी जी पूज्य विमला बहन, शासन प्रेमी श्रावक यानी हमारे नानो साहब पूज्य प्रवीण भाई और तीसरी संयमी देवी थी जिसने 12 साल पहले इसी अंधेरी नगरी में निशा नामक ज्योति जलाकर सर्वत्र प्रभु को यश को फैला रही है, ऐसी हमारी सबसे पहली साध्वी श्री यशस्वी आज हमारा बहुमान क्यों किया जा रहा है? ना ही हम कोई बड़े पोस्ट पर है, ना ही हम कलेक्टर है, ना ही हम MLA या PM है। क्या हम मालवाड़ा निवासी पूज्य प्रवीण बहन हिरानी और पूज्य विमला बहन हिरानी की नाती है इसलिए, या हम निखिल मामा और तोशी मामे की भांजी है इसलिए, या हम तरुण भाई और वैशाली बहन की बेटियां है इसलिए? क्यों किया जा रहा है हमारा ये बहुमान? ये बहुमान तो तीर्थंकर के त्याग मार्ग का है, प्रभु के पावन पथ का है, माता पिता के धार्मिक संस्कारों का है, गुरुदेव और गुरु वैरा के वैराग्य भरी प्रेरणा का है। ऐसे संयम जीवन का है जो संयम सिद्ध बना दे, एक बहु अवतारी बना दे, वंदनीय बना दे, पूजनीय बना दे, सिद्धि वर्धक बना दे, मोक्ष गामी बना दे। शासन प्रति वीर का शमन वेश पहन कर निशा नामक लड़की जिसने यही 12 साल पहले इसी संयम जीवन को स्वीकारा है, उस वेश का बहुमान है, उस वेश का बहुमान है। आप सभी इंसानों की तरह मैं भी बहुमय संसार में ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के लाइफ स्टाइल में जीने वाली एक इंसान थी, लेकिन अचानक से मेरा पुण्य दय हुआ और गुरु भगवान की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरी सोई हुई आत्मा जाग गई। संयम यानी स्वस्वाधा द्वारा स्व को पहचानने के प्रोसेस, अनादि अनंत काल की वृत्ति का परिवर्तन, सर्व गुणों को प्रकट कर परिभ्रमण से मुक्त होना, पर से पर होकर स्व की ओर जाना, पल पल के जत्ता पूर्वक का जीवन, इरिया समिति पूर्वक का आत्मलक्षित साधक जीवन, मन वचन और काया पर कंट्रोल, वेश परिवर्तन नहीं आंतरिक भावों का परिवर्तन, सर्व गुणों की अवस्था पल पल जागृत होके जीना यानी संयम। आज हम दोनों बहने आपके सामने मुमुक्षु बनकर उपस्थित हुए हैं, तब आपको प्रश्न होता होगा कि हमें संसार में ऐसा तो क्या दुख पड़ गया कि दीक्षा लेने की इच्छा हो गई। लेकिन सच बात तो ये है कि हम संसार में दुखी हैं इसलिए दीक्षा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। संसार में कोई जीव को हम दुख दिए बिना जी नहीं सकते, इसलिए हम दीक्षा ले रहे हैं।
एक बार एक सेठजी ऑफिस से घर लौट रहे थे, तभी एक पैकेट चोर ने उनका पैकेट चोरी कर लिया और वो भागने लगा। सेठ जी भी दौड़ने में चैंपियन थे। चोर आगे आगे दौड़ रहा था, सेठ जी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। एक टाइम ऐसा आया कि सेठ जी चोर से भी आगे निकल गए और वे भूल गए कि वे क्यों दौड़ रहे हैं। इसी सेठ जी की तरह दुनिया में हर एक व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई परिवार के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई पद के लिए, तो कोई प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन इन सब दौड़ के बाद वो पाना क्या चाहता है? तो जवाब है सुख। लेकिन आप ही बताओ, क्या इन भौतिक सुखों से कभी कोई सुखी हुआ है? इंसान पूरी जिंदगी सुख पाने के लिए दौड़ता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसे इस संसार में सुख मिलता ही नहीं है। आज का मानव यानी कलयुग का कलेक्शन, सुखों का सिलेक्शन और दुखों का रिजेक्शन। अगर कोई कर ले मानव भव का इंस्पेक्शन, परंतु कहीं भी नहीं है संबंधों से कोई कनेक्शन। रोज रोज के नए एक्शन और नए नए इजेक्शन, परंतु आज का मानव जाने खुद ही बन गया हो एक चाइना का प्रोडक्शन। कीमत हो गई है कम, परंतु कोई भी नहीं है परफेक्शन। सिर्फ देव गुरु ही कर सकते हैं मानव जीवन का कलेक्शन। धन्य है वो जो दीक्षा लेते हैं, धन्य है वो जो दीक्षा देते हैं, धन्य है वो जो दीक्षा देखते हैं। बस इसी तरह अपना जीवन धन्य बनाने हमारी दीक्षा देखना जरूर बताइए। हमारी दीक्षा 13 मार्च 2019 को सूरत।